हेलो एवरीवन एंड नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्रेंट वाइब्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरोजिनी नगर वीडियो पार्ट टू, और अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी और भी बहुत सारे विंटर की कलेक्शन और बहुत सारे शॉप्स और पटरी मार्केट कलेक्शन, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपने लिए ले सकते हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉपिंग, और मैं आपको दिखाती हूँ मार्केट में क्या क्या नई चीज़ें अवेलेबल हैं। ग्रेफिटी लेन से पहले ही आपको ये शॉप दिख जाएंगी, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि कितने सारे पफर जैकेट्स की कलेक्शन है। इसमें आपको सॉलिड और कलरफुल दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगी। साइजेस भी यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल थी, तो आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो। शॉप के बाहर ही इन्होंने 200 रुपीज़ में यहाँ पर कोट्स की सिलेक्शन लगा रखी थी, जिनमें आपको सॉलिड और कलर्स दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगी। इनमें मिक्स्ड आइटम्स थे, जैसे कि फॉर्मल और सेमी फॉर्मल दोनों टाइप्स के ही ऑप्शंस मिल जाएंगी आपको। और जब भी आप कोई भी हैंगर या फिर पटरी मार्केट से कुछ चीज़ लेते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छी तरह से चीज़ को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिटर्न या फिर रिफ़ंड का सिस्टम नहीं है। तो घर जाने से पहले ही आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा अपना सामान। 11:30 बजे तक मार्केट बहुत अच्छी तरह से लग जाती है, और मुझे लगता है कि वो बेस्ट टाइम है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में आफ्टरनून में अराउंड 1:30 से थोड़ा क्राउड होने लग जाता है मार्केट में। हालांकि मैंने देखा है कि एंट्री गेट में वो आपको सैनिटाइज वगैरह करवाते हैं हाथ वगैरह, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाइएगा। किन्स के लेन पे अगर आप जाओगे तो आपको ये शॉप दिख जाएगी, और इस शॉप में आप देख सकते हो कि ओवरकोट्स की कलेक्शन कितनी अच्छी है। इनमें आपको सॉलिड और वाइब्रेंट कलर्स दोनों ही मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हो, जिनमें रेड, ब्लू, वाइट सारे ही टाइप्स के कलर्स हैं यहाँ पर, और साइजेस के ऑप्शंस काफ़ी है इनके पास। आपको देख कर ही लग रहा होगा कि काफ़ी साइजेस इनके पास है, और मुझे इस शॉप की जो कलेक्शन है ग्रेफिटी लेन से भी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि सारे ही जो आप कोट्स देख रहे हो काफ़ी न्यू सा लग रहा है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा ग्रेफिटी लेन से। यहाँ पर बिक्सी के पास भी 200 रुपीज़ का हैंगर लगा हुआ था, जिनमें आपको कोट्स और पीछे जैकेट्स रखी हुई थी। इनके कोट्स एक दो ही मुझे अच्छी लगी, और बाकी मुझे इतनी खास नहीं लगी इनकी कलेक्शन यहाँ पर इस हैंगर में। दुर्गा मंदिर के पास यहाँ पे 100 रुपीज़ में डेनिम की कलेक्शन लगी हुई थी, जिनमें सारे मिक्स आइटम्स थे, जैसे यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह थी, डंगरीज और शर्ट्स, कुलोट्स सभी यहाँ पे मिक्स आइटम्स रखे हुए थे। मतलब यहाँ पे जो कलेक्शन था वो ओके था, इतना कुछ मुझे खास नहीं लगा। आप जब भी सरोजनी आए तो मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लेकर आए, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर मार्केट इतनी बड़ी है और देखने को बहुत सारी चीज़ें हैं। आप तभी एक्सप्लोर कर पाओगे मार्केट पूरी अच्छी तरह से और कलेक्शन देख पाओगे जब आप टाइम लेकर आओगे। तो यहाँ पर इन्होंने भैया ने 200 रुपीज़ में कोट की सेल लगा रखी थी, जिनमें आपको चेक्स और सॉलिड कलर्स, रेड, ब्लू सभी में आपको ऑप्शंस मिल रहे थे। इनके पास क्वालिटी इतनी खास नहीं थी, मतलब इसमें क्वालिटी थोड़ी ओके टाइप की थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगी। बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से डेफिनेटली शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे भैया ने 80 रुपीज़ की हैंगर में पतले वाले स्वेटर्स लगा रखे थे, मुझे ये वाला कलेक्शन इनका बहुत अच्छा लगा। थे तो ये 80 रुपीज़ के, लेकिन मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, कलर्स भी इनके पास काफ़ी सारे थे। तो ये सब पीसेस होते हैं जो आप लेयरिंग कर सकते हो, जैसे कि इसके ऊपर अगर आप कोट डालोगे तो अच्छा लगेगा, और साथ ही में 80 रुपीज़ में यहाँ पर स्वेटर्स भी रखे हुए थे।
बॉयज के लिए भी आपको यहाँ पर अच्छी कलेक्शन मिल जाएंगी, जैसे कि 250 रुपीज में स्वेटशर्ट्स थी और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। 250 रुपीज में आपको यहाँ पे फर वाले जैकेट्स भी दिख जाएंगे। मुझे ये वाली हैंगर अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये जैकेट्स थी इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी। इस शॉप में आपको विंटर स्कर्ट्स और सर्दियों के लिए फुल हैंड वाले टी शर्ट्स मिल जाएंगे जिनमें बहुत सारे कलर्स थे। प्लाजो सेट्स भी अवेलेबल थे इनके पास 300 रुपीज में। 200 रुपीज़ में आपको ऐसे हैंगर्स भी दिख जाएंगे। यहाँ पे आप चिकनकारी स्टाइल में कुर्ता देख रहे हो, इनके कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, तो इनका मटेरियल भी मुझे अच्छा लगा और साथ ही में इन्होंने दूसरे टाइप के भी कुर्ते लगा रखे थे। सरोजनी में आपको ना सिर्फ कुर्ते बल्कि आपको पूरा प्रॉपर सूट पीस भी मिल जाता है और प्राइस रेंज यहाँ पे सारों के डिफरेंट होते हैं और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टाइल या फिर कौन सा फैब्रिक ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी अगर आप एथनिक वेयर की कलेक्शन लेना चाहते हो तो भी। सरोजनी में स्टोल की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है, 80 रुपीज़ में वन और 150 रुपीज़ में दो दे रहे थे यहाँ पर, जिनमें प्रिंट्स, पोलका डॉट सारी कलेक्शन अवेलेबल थी। मुझे पर्सनली ये ब्लैंकेट टाइप के जो होते हैं फजी वाले, ये बहुत पसंद है विंटर्स में। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सरोजनी में बॉयज़ के लिए कलेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है, तो मैं आपको बता दूं कि सरोजनी में बॉयज़ और गर्ल्स, किड्स सबके लिए ही यहाँ पर चीज़ें मिलती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 200 रुपीज़ में स्वेटर की कलेक्शन लगी हुई थी। स्वेटर की क्वालिटी ओके टाइप थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी, कलर्स इनके पास काफ़ी थे और साइज़ भी यहाँ पर काफ़ी सारे अवेलेबल थी। तो सरोजनी में गर्ल्स के लिए जितना ऑप्शन है बॉयज़ के लिए भी उतने ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बॉयज़ अगर आप आकर शॉपिंग करना चाहते हो तो आप भी यहाँ पर आकर मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। 200 रुपीज़ में साथ ही में इन्होंने दूसरा हैंगर भी लगा रखा था जिनमें भी स्वेटर्स अवेलेबल थी बॉयज़ के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ पर भी इनके पास काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन हैं। और मुझे ये वाला हैंगर बेसिकली बहुत अच्छा लगा। 250 रुपीज़ में आप देख सकते हो यहाँ पर स्वेटशर्ट की कलेक्शन थी और सबसे अच्छा यहाँ पे मुझे इनका क्वालिटी लगा। सो मे बी 250 रुपीज़ का है तभी क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। मदर डेरी के पास ही आपको ये हैंगर दिख जाएगा जिसपे आपको क्रॉप टॉप और टी शर्ट की कलेक्शन मिल जाएंगी, और साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हो 200 रुपीज़ में एथनिक स्कर्ट की कलेक्शन। तो मुझे पर्सनली ये वाला एथनिक स्कर्ट का हैंगर बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो आपको मार्केट में ये जगह जगह पे दिख जाएगी, बट मदर डैडी के पास जो ये हैंगर लगता है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली वो जो कलेक्शन है वो अपग्रेड होता है। पूरी मार्केट ही आपको विंटर कलेक्शन से भरी हुई नज़र आएंगी जिनमें आपको ओवरकोट्स, जैकेट्स, मिड लेंथ वाले कोट्स, ब्लेजर्स सभी कुछ देखने को मिल जाएगा। 80 रुपीज़ के इस हैंगर में हाई नेक, राउंड नेक सभी स्टाइल के स्वेटर्स मिल रहे थे। इस वाले हैंगर में मुझे बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ देखने को मिली जिनमें कलर्स भी बहुत सारे थे और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे ऐसे जो निटेड वाले जो स्वेटर्स होते हैं वो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आता है, तो इनके पास साइजेस भी काफ़ी अवेलेबल थी। उसी के बाद दूसरा हैंगर दिखा जिसमें भी 80 रुपीज़ के पतले वाले स्वेटर्स, हाईनेक वाले स्वेटर्स की कलेक्शन लगा रखी थी। इनके पास भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे। मैंने जैसे कहा आपको कि पूरे मार्केट में इसी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी विंटर में, जगह जगह पे आपको हैंगर्स मिलेंगे जिनमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्वेटर्स दिखेंगे, बट ये डिपेंड करता है कि किसी हैंगर में सामान अच्छा होता है किसी हैंगर में नहीं होता है, तो आपको पर्सनली आकर चेक करना पड़ेगा। और हर जगह आपको ऐसी सेल दिख जाएंगी जहाँ पे 150 रुपीज़ के पजामी, 100 रुपीज़ के टी शर्ट्स वैसे मिल जाती है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो 100 रुपीज़ में यहाँ पे बहुत सारे टी शर्ट्स की कलेक्शन लगी हुई है और शर्ट्स की कलेक्शन लगी हुई है।
फजी वाले पजामे विंटर के लिए इसेंशियल होता है क्योंकि ये आपको काफ़ी वार्म रखता है। और सबसे बेस्ट ये है कि इसमें ये बहुत ही लाइट वेट है और जब आप इसे वॉश करते हो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपको लेना चाहिए अपने कंफर्टेबल वेयर के लिए ये पजामे। किसी किसी शॉप में मुझे समर की भी चीज़ें दिखी जिनमें आपको टॉप्स वगैरह और ड्रेस वगैरह दिख रही थी और डेनिम की स्कर्ट्स और शॉर्ट्स भी अवेलेबल थी। और इसी शॉप के बाहर बॉयज़ के लिए 250 रुपीज़ में स्वेटशर्ट लगी हुई थी। ये वाली स्वेटशर्ट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और यहाँ पर मुझे देखने को मिला कि कलर्स भी बहुत सारे थे। और इस शॉप में भी आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर अभी भी टी शर्ट्स वगैरह अवेलेबल थी, तो यहाँ पर अगर आपको बेसिक टी शर्ट्स चाहिए तो भी आप अभी ले सकते हो। और 100 रुपीज़ के हैंगर में भी इन्होंने टी शर्ट्स टांग रखी थी, तो आपको डेनिम मिल जाता है 200 रुपीज़ में यहाँ पर। और काफ़ी अच्छे कलर्स और काफ़ी सारे यहाँ पर पैटर्न होते हैं। 100 रुपीज़ में भी आपको डेनिम मिल जाएंगे यहाँ पर, बट देन इसमें बहुत ज़्यादा साइजेस नहीं होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 300 रुपीज़ में ये जो मोटे वाले जैकेट्स थे ये मिल रहे थे, इनके पास भी काफ़ी सारे कलर्स थे। विंटर में ये बहुत काम आता है तो सभी के पास ये एक पीस तो होना ही चाहिए। सरोजनी में आपको छोटी मोटी बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जैसे कि 35 या फिर 50 रुपीज़ में आपको ऐसी की रिंग्स की चेन्स वगैरह मिल जाएंगी। और साथ ही में अगर आपको हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह की चीज़ें लेनी हो तो वो भी मिल जाती है। और इस शॉप में डेनिम जैकेट्स की बहुत ही प्यारी कलेक्शन थी और साथ ही में इन्होंने सम एथनिक वेयर भी रखी हुई थी, जिनमें आप देख सकते हो प्लाजो पैंट्स और पजामे रखी हुई थी, लेगिंग्स वगैरह थी और इनके पास इन्होंने कुर्ता सेट्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी। सरोजनी में आपको होम डेकोर की चीज़ें भी मिल जाएंगी। इस स्टोर पर आप बैग्स और होम डेकोर दोनों की चीज़ें चेक कर सकते हो। सरोजनी में आपको अमेजिंग फुटवेयर की कलेक्शन मिल जाएंगी, चाहे तो वो वेस्टर्न हो या फिर एथनिक हो। और मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे लाजपत नगर से सस्ती मिलती है। जैसे आप यहाँ पे जूतियाँ देख रहे हो 200 रुपीज़ में मिल रही है और काफ़ी प्यारे प्यारे जूतियाँ हैं यहाँ पर, जो आप कुर्ते वगैरह के साथ टीम अप कर सकते हो। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आप ट्रैवलिंग के लिए भी यहाँ से लगेज बैग या फिर ट्रॉली वगैरह खरीद सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये ट्रॉली बैग्स में कितने प्यारे प्यारे प्रिंट्स बने हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा डिस्काउंट भी कर देते हैं आपको। मार्केट में मुझे ऐसे कॉस्मेटिक की भी बहुत सारी शॉप दिखी है। तो गाइस, ये था आज का हमारा सरोजनी नगर का वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड इफ़ यू हैव तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।